Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, we will be discussing follow-up questions related to the topic cue card, namely, describe someone who you know made a good decision recently. Now, let's commence with the first follow-up question that can be expected to be asked in your speaking exam. That is, should parents make decisions for their children? Yes, parents should play a pivotal role in guiding their children's decision as they grow. जैसे वो ग्रो होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इन गाइडिंग, गाइड करने में, उन्हें डायरेक्ट करने में, हेल्प करने में, गाइड करने में चिल्ड्रंस डिसीजन, उनके डिसीजन में गाइड करने में, ओके, डिसीजंस को गाइड करने में एज दे ग्रो. इट्स वाइटल फॉर पेरेंट्स टू स्टीयर देयर चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शन अंटिल दे कैन स्टैंड ऑन देयर ऑन टू फीट. उनको ये इम्पोर्टेंट है, वाइटल है, इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है पेरेंट्स के लिए डायरेक्ट करना, स्टीयर डायरेक्ट करना, गाइड करना अपने बच्चों को इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में अंटिल जब तक वो अपने अपने खुद के पांव पर, अपने खुद के ऊपर जो है वो अपने पैरों पर वो स्टैंड नहीं हो जाते, ओके, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते लाइफ में. After all, क्या अ गाइडिंग हैंड, एक जो हेल्पिंग हैंड, जो हेल्प करना इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है यंगस्टर्स स्टे ऑन द राइट ट्रैक, वो राइट ट्रैक पे हैं एंड अवॉइड पिटफॉल्स, जो रिस्क आते हैं लाइफ में और जो जैसे डेंजर कुछ भी हो सकता है, ओके, सो ऐसे वो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं और ये इंश्योर करता है कि वो ऑन द राइट ट्रैक हैं. Next question is, do you think parents are the best people to make decisions about their children's education? Certainly, definitely. Parents often have the lion's share of something. It means the greatest part of something, the largest part of something. ये idiom है. It means के उनका जो होता है, क्या parents का एक insight means deep understanding होती है उनकी. ग्रेटेस्ट पार्ट होता है ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग इन टू देयर चिल्ड्रंस नीड्स के बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा पता होता है, ओके, सो चिल्ड्रंस नीड्स एंड अबिलिटीज़ के बारे में अलोन्स शेयर ऑफ इनसाइट मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, इफ़ देयर इज अलोन्स शेयर ऑफ समथिंग इट मीन्स द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पता होता है बच्चों के, जो चिल्ड्रंस के नीड्स एंड जो अबिलिटीज़ हैं, सो दे आर यूजुअली द वंस, इसलिए वो हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट्स बेस्ट उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, क्या बेस्ट है, व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर एजुकेशन. बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंसीडर चिल्ड्रंस नॉलेज एंड पेरेंट्स फीलिंग टुगेदर. बट ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है कंसीडर करना, सोचना, जो थिंक करना, कंसीडर करना, देखना दोनों टीचर्स की नॉलेज को भी और पेरेंट्स की फीलिंग्स को टुगेदर इकट्ठे, ओके. मेकिंग डिसीजंस अबाउट एजुकेशन शुडंट रिलाई सोनली ऑन वन पर्सन और आइडिया. ये डिसीजन बनाना, ओके, एजुकेशन के बारे में, ये एक के ऊपर ही रिलाए या फिर डिपेंड नहीं करना चाहिए एक ही पर्सन या आइडिया के ऊपर, क्योंकि सोली रिलाए मीन्स डिपेंड नहीं करना चाहिए, ओनली सोली मीन्स या फिर ओनली मेयरली या फिर केवल एक ही पर्सन पे, आइडिया पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. व्हेन पेरेंट्स एंड टीचर्स वर्क टुगेदर, जब वो इकट्ठे काम करते हैं, दे कैन ऑफर मोर च्वाइसेस, वो मोर ज़्यादा च्वाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, ज़्यादा च्वाइसेस होती हैं, ऑप्शंस होती हैं एंड चांसेस किड्स के लिए चांसेस होते हैं टू सक्सीड लाइफ में, सक्सीड होने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से. नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज एट वॉट एज डू यू थिंक चिल्ड्रन कैन बी अलाउड टू मेक डिसीजन बाई देमसेल्व्स. डिटर्मिंग द अप्रोप्रिएट एज मीन्स निर्धारित करना, अप्रोप्रिएट जो सही एज है फॉर चिल्ड्रन टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, कि चिल्ड्रन अपने डिसीजंस को, टू मेक डिसीजंस बनाए इंडिपेंडेंटली अपने आप, देमसेल्व्स, वरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड. ये अलग अलग है, चाइल्ड टू चाइल्ड ये डिपेंड करता है, अलग अलग का अलग अलग होता है. एज वन साइज डजंट फिट ऑल, जैसे कि एक साइज जो है वो सभी को फिट नहीं आता. Parents should listen to their child and consider their children's maturity level and readiness.
पेरेंट्स को आपने लिसन अपने चिल्ड्रन को सुनना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए उनके बारे में, जो उनके बच्चों की जो मच्योरिटी है, मच्योरिटी के बारे में, मच्योरिटी लेवल और रेडीनेस, कितना वो रेडी है डिसीजंस बनाने के लिए और मच्योर कितना है, उनके बारे में सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट चिल्ड्रन मेक डिसीजन स्टेप बाय स्टेप। ये इम्पोर्टेंट है कि चिल्ड्रन अपने उनको बनाने देना अपने डिसीजंस स्टेप बाय स्टेप। गार्डियंस या फिर पेरेंट्स शुड गाइड दैम, उन्हें गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत हो। बट ऑल्सो दे शुड लेट दैम स्प्रेड देयर विंग्स, बट ऑल्सो उनको अपने विंग्स को स्प्रेड करने देना चाहिए, मीन्स उनको फ्रीडम देनी चाहिए, उनको अपने खुद से जो लर्न करने देना चाहिए, खुद से काम करने देना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन इज, व्हाई डू मोस्ट चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस? मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ हार्ड टाइम मेकिंग डिसीजंस बिकॉज दे आर स्टिल लर्निंग अबाउट डिफरेंट चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैव अ हार्ड टाइम, इफ यू आर हैविंग और हैव अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग, मेकिंग समथिंग, लर्निंग समथिंग, ओके, अंडरस्टैंडिंग समथिंग, इट मीन्स के यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न समथिंग, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, ओके। सो चिल्ड्रन हैव अ हार्ड टाइम, उन्हें हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है डिसीजन बनाना, बिकॉज वो अभी भी लर्न कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट चॉइसेज, अलग अलग ऑप्शन के बारे में, चॉइसेज के बारे में, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज अभी सीख रहे हैं। एडिशनली इसके अलावा दे माइट फील अनश्योर, वो अनश्योर श्योर नहीं है और अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो श्योर नहीं है और इसलिए भी उनको मुश्किल, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस, ओके। सो अनश्योर है और उन्हें डर लगता है कि वो मिस्टेक्स ना कर दें, ओके। ऑल्सो समटाइम्स, ऑल्सो समटाइम्स कभी होता है, कभी कभी या फिर ओकेजनली आप बोल सकते हो, दे नीड मोर टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स और थिंक थिंग्स थ्रू। सो कभी कभी क्या होता है, ओकेजनली दे नीड मोर टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू, इट मीन्स कि ज़्यादा टाइम चाहिए उन्हें सोचने के बारे में, चीज़ों को सोचने के बारे में, ओके, कम्प्लीटली। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अडल्ट्स, और उन्हें चाहिए, वो पूछते हैं हेल्प के लिए फ्रॉम अडल्ट्स, अडल्ट से, ओके, बड़ों से। As they grow older, जैसे वो बड़े होते हैं, they become better at making decisions, वो अच्छे बनते हैं decisions बनाने में, and learning from their experiences, और वो learn करते हैं अपने, जो learn करने में अच्छे होते हैं, अपने experiences में से learn करना उन्हें आ जाता है और उन्हें decisions बनाने में better होते हैं। Now next follow-up question is, should parents interfere in children's decision making? Parents navigate a situation carefully and skillfully when it comes to interfering in their children's decision making. Navigate उन्हें इस situation से skillfully deal करना चाहिए, okay, navigate करना चाहिए skillfully और carefully, skillfully with skill, okay, cleverly उन्हें क्या ये सिचुएशन को से डील करना चाहिए, जब किस चीज़ की किस कौन सी बात आती है, जब उनके इंटरफेरेंस की बात आती है अपने चिल्ड्रन के जो डिसीजन मेकिंग में, ओके, इंटरफेरेंस की बात आती है, इंटरफेयर करने की बात आती है। वाइल्ड गाइडेंस कैन स्टीयर देम, स्टीयर मीन्स डायरेक्ट आप बोल सकते हो, या फिर गाइड बोल सकते हो आप, या फिर स्टीयर, ओके, उन्हें गाइड करते हैं इन द राइट डायरेक्शन, चाहे कि वो अपने इन द राइट डायरेक्शन, राइट पाथ में अपने बच्चे को डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। टू मच इंटरफेरेंस कैन स्टिफल देयर इंडिपेंडेंस, उनकी प्रिवेंट कर सकती है, स्टिफल कर सकती है, हिंडर या फिर प्रिवेंट, ओके, उनकी इंडिपेंडेंस को रोक सकती है, टू मच जब इंटरफेरेंस हो जाती है। इट्स असेंशियल फॉर पेरेंट्स, ये असेंशियल है, नेसेसरी है पेरेंट्स के लिए, टू स्ट्राइक ए बैलेंस बनाना चाहिए उनको, टू स्ट्राइक अ बैलेंस, अलाउंग देयर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड लर्न देमसेल्व्स व्हाइल बीइंग देयर टू कैच देम इफ दे फॉल। उन्हें ये असेंशियल है बच्चों के लिए, सॉरी पेरेंट्स के लिए, एक बैलेंस बनाना जो उन्हें अलाउ करेगा कि चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके बच्चों को एक्सप्लोर करना और लर्न करना, खुद वो अपने आप से वो एक्सप्लोर करेंगे और लर्न करेंगे, साथ साथ ही वो जो पेरेंट्स होंगे वो साथ साथ ही उनके होंगे टू कैच देम, उन्हें कैच करने के लिए, अगर वो गिरते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो साथ होते हैं, उन्हें गाइड करने के लिए होते। इसके साथ साथ उनको खुद को भी उन्हें अलाउ करना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करना एंड लर्न करना देमसेल्व्स। नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन इज, हाउ शुड पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन मेक डिसीजंस? पेरेंट्स कैन सपोर्ट देयर चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग बाय इनकरेजिंग देम टू वे देयर ऑप्शंस केयरफुली
एंड स्किलफुली, या फिर क्लेवरली आप बोल सकते हो, केयरफुली एंड थिंक थिंग्स थ्रू. जो जो पेरेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को इन डिसीजन मेकिंग में, इनकरेज करके उनको जो अपनी ऑप्शंस के बारे में केयरफुली, जो उनके पास ऑप्शंस होती है, चॉइसेस होती हैं, उनके बारे में केयरफुली सोचकर, ओके, कंसीडर करके सोचकर एंड थिंक थिंग्स और चीज़ों को सोचकर, कंप्लीटली सोचकर, ओके, थ्रू पूरी तरह से. बिसाइड्स, इसके अलावा दे शुड ऑल्सो हेल्प देम नेविगेट ट्रिकी सिचुएशंस. इसके अलावा उन्हें उन्हें हेल्प करनी चाहिए नेविगेट, डील करने में जो ट्रिकी हार्ड सिचुएशंस होती हैं उनके साथ, हर्डल्स, ओके, ट्रिकी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ऐसे भी आप बोल सकते हो. सो उनसे डील करने में एंड स्टैंड बाय देम, और उनके साथ खड़ना चाहिए व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो, when required, या फिर required आप बोल सकते हो, if you have used this word needed already, okay. Now, nextly, offering guidance without being overly controlling allow children to learn from their own experiences and develop independence. offering करना, जो offer करना guidance को offer करना, उन्हें देना, help देना उन्हें, assistance, या फिर आप बोल सकते हो, जैसे आप हम guidance को पहले कई बार use कर चुके हैं, तो repetition will can decrease your marks, okay, band scores. So it's good to use synonyms like help आप use कर सकते हो, या फिर assistance, helping hand, okay, guidance, so guiding hand, a helping hand, या फिर assistance, okay, offering assistance, जो उन्हें help करना without being overly, ज़्यादा overly over control जब हो जाए, overly control से बिना, ओके, कंट्रोल करने से बिना उन्हें अलाउ करना चिल्ड्रन को लर्न करना, अपने उन्हें अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में से लर्न करना उन्हें अलाउ करना चाहिए एंड डिवेल्प, जो कि उनकी डिवेल्प करेगा इंडिपेंडेंस. नाउ नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन इज, डू पेरेंट्स इन योर कंट्री टेक डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रन. इन इंडिया पेरेंट्स often play a significant role in making decisions for their children. जो parents हैं ये often अक्सर एक important role play करते हैं in making decisions बनाने में for their children. They typically decide on matters. वो generally किस topics के ऊपर decide करते हैं, like education, career choices and sometimes even marriage arrangements, marriage को लेकर, okay, वो decide करते हैं चीज़ों को. दिस प्रैक्टिस इज डीपली रूटेड इन कल्चरल वैल्यूज एंड एम्फेसाइजेस पेरेंटल गाइडेंस एंड फैमिली यूनिटी. ये प्रैक्टिस ये इंडिया में है और ये डीपली रूटेड है, एक मीन्स एक जो कल्चर का, हमारे कल्चर का एक पार्ट है, इंडियन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल, ओके, इंटेग्रल पार्ट है. सो डीपली रूटेड है इन कल्चरल वैल्यूज एंड एम्फेसाइजेस. ये किस चीज़ पे फोकस करता है, इम्फेसाइज करता है कि पेरेंटल गाइडेंस एंड फैमिली यूनिटी के में इम्फेसाइज, इसके ऊपर फोकस करता है. वाइल इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड डायरेक्शन, चाहे कि ये प्रोवाइड कर सकता है एक सपोर्ट और डायरेक्शन, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पेरेंट्स हैव ऑन शेपिंग देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर. चाहे कि एक ये प्रोवाइड करता है, कर सकता है सपोर्ट एंड डायरेक्शन, बट ऑल्सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, जो है शो करता है कि पेरेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, ऑन शेपिंग, अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने, शेप करने में, बनाने में, ओके, जो इनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स का. नाउ दिस इज ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट फॉलो अप क्वेश्चन, दैट इज, डू यू थिंक इट्स एडवाइजेबल लिसनिंग टू अदर्स एडवाइस व्हेन मेकिंग डिसीजंस. इन माय ओपिनियन, या फिर आई रेकन दैट, या फिर आई बिलीव दैट, मैं सोचती हूँ इट्स ऑलवेज वाइस, या फिर प्रियोडेंट आप बोल सकते हो, टू टेक अदर्स एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. कि ये ऑलवेज प्रियोडेंट होगा, ये सियानप की बात होगी, ये ऑलवेज वाइस होगा कि दूसरों की एडवाइस लेना, बट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मीन्स पूरी तरह से कम्प्लीटली उन पर बिलीव ना करना, थोड़ा सा डाउट से, मीन्स कम्प्लीटली बिलीव ना करना, ओके. सो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, गेटिंग डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हेल्प यू सी थिंग्स दैट यू माइट हैव मिस्ड और मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. गेटिंग, क्योंकि अलग अलग के क्या परस्पेक्टिव्स, अलग अलग के ओपिनियंस, अलग अलग पीपल के अलग अलग होते हैं, इस वजह से. सो अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग परस्पेक्टिव्स, आप जब आप एडवाइस लेते हो तो उनके जो आप विचार लेते हो, तो गेटिंग अलग अलग जो
डिफरेंट ओपिनियंस परस्पेक्टिव्स, ये आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने के लिए जो आपने मिस कर दी हैं। अलग अलग लोग अलग अलग आपको देंगे एडवाइस। सो जो इस ये हेल्प आपको करेगा कि आपने जो पॉइंट्स मिस कर दिए हैं वो आप देख सकते हो उन चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़ें आपने मिस करी है, और आपको वेल इन्फॉर्म्ड एक अच्छा डिसीजंस बनाने के लिए। हाउएवर एट द एंड ऑफ द डे, बट एंड पे आपको द फाइनल कॉल शुड रेस्ट ऑन योर शोल्डर। बट जो फाइनल कॉल होगी, मीन्स फाइनल जो डिसीजन होगा, वो फाइनल बात होगी, वो आपके ऊपर ही है। इट्स क्रूशियल, ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, या फिर पिवोटल, वाइटल, क्रूशियल, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज हियर। इट्स क्रूशियल, ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, टू वे, इनका क्या करना, टू वे द प्रोज एंड कॉन्स, कि दोनों ही जो मेरिट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों के बारे में कंसीडर करना, दोनों के बारे में सोचना, एंड ट्रस्ट योर गट इंस्टिंक्ट, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना, ये क्रूशियल है, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।